रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी और झटपट बनने वाला इटालियन पास्ता जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालें तो बच्चे मज़े के साथ खाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी हम झटपट शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला क्रीमी इटालियन पास्ता। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पास्ता आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो 2.5 कप पास्ता हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे 1.5 कप। नमक डालेंगे हम 1.5 टीस्पून और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें तेल। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पर तेल ऐड किया है। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देते हैं और ढक के रख देंगे। एक सीटी आने तक ही हमें इसको पकाना है। जब ठंडा हो जाएगा तो एक स्टैंडर में हम इसको निकालेंगे और ठंडे पानी से हमें 1 से 2 बार इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि पास्ता जो है चिपके नहीं। पास्ता बॉईल होने के बाद आप चाहे तो इसे अभी बना लें या आप चाहे तो इसको बाद में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो 3 टमाटर हमने यहाँ पर लिए हैं। इनका जो ऊपरी पार्ट है वो हम हटा देंगे। अब हमें टमाटर को कद्दूकस करना है। तो किसी भी ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेते हैं जिससे आसानी से ये कद्दूकस हो जाएंगे। इस तरह देखिए बड़ी आसानी से जो है टमाटर कद्दूकस हो जाते हैं। केवल हमें इसका पल्प ही चाहिए। टमाटर की प्यूरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब एक पैन हम गैस पर रख देते हैं। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें डालनी है अदरक। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून जो है अदरक ली है। इसको अच्छे से हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हमें लेना है 1 प्याज। प्याज को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। कुछ ही सेकेंड हमें इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, इससे जो है प्याज अच्छे से क्रंची रहे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो 1 शिमला मिर्च को हमने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसको पकाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी जो हमने बनाई थी ना टमाटर प्यूरी, वो इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं। तो टमाटर प्यूरी को भी हमें इसमें पकाना है। तो सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को जो है बॉईल करके इसमें ऐड करना है। तो मेरे पास अभी स्वीट कॉर्न नहीं है तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अपनी पसंदीदा कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको ढककर हम रख देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। तो चलिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। एक बार फिर से हम इसको हिला लेंगे। अब हमें डालना है टोमेटो केचप। तो 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। अब हमें ऐड करना है वाइट विनेगर। तो 1 टीस्पून हम इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे। इससे पास्ते में जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून हमें डालना है रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है चिली फ्लेक्स। वन टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है इटालियन हर्ब्स। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप ओरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इटालियन सीजनिंग जो है मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब पास्ता में हमें ऐड करना है 1/4 कप पानी और सभी को अच्छी तरह से हमें एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और कुछ सेकेंड हम इसको पकने देंगे। पास्ता में क्रीमी स्वाद लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ क्यूब। तो यहाँ पर हमने अमूल की 1 चीज़ क्यूब ली है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। तो इस तरह हाथ से तोड़ कर हम इसमें डाल देंगे। चीज़ को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए फिर से हम इसको पकाएंगे ताकि पास्ता में जो है चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसको हम ढककर रख देते हैं। 1 मिनट के लिए हमें इसको ढककर रखना है ताकि चीज़ हम मेल्ट हो जाए। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको खोल कर देख लेते हैं।
चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पास्ता को हमें अच्छी तरह से हिलाना है ताकि जो ग्रेवी है वो पास्ता के ऊपर बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह हम इसको एक मिनट के लिए हिलाएंगे। पास्ता को ढककर एक से दो मिनट के लिए हम फिर से पका लेते हैं ताकि ग्रेवी जो है अच्छी तरह से पास्ता के ऊपर जो है सेट हो जाए। क्रीमी इटालियन पास्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए इसे हम सर्व करेंगे। पास्ता बच्चों का तो फेवरेट होता ही है, साथ ही साथ इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो देखा ना आपने, सिर्फ 5 मिनट में हमने किस तरह से पास्ता बनाकर तैयार किया है। जब हम प्रेशर कुकर में इसको बॉईल करेंगे तो ज़्यादा हमें इसको बॉईल नहीं करना है, एक विसल आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, यदि आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।